Hello and welcome students to the online classes of communication technology. It's week 5th and I'm here your instructor Mohsen Khan. So today our topic is bandwidth efficient amplitude modulation. So aaj hum padhenge aise amplitude modulation technique jo ke bandwidth efficient ho. What do we mean by efficient? Efficient and bandwidth के लिहाज से efficient का मतलब ये है कि हम एक ऐसा amplitude modulation technique introduce कर लें जो कि कम से कम bandwidth वो consume कर लें. So before going into the detail of this topic, first of all I'd like to discuss what's actually bandwidth. बैंडविड्थ मीन्स के अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कि हमारे पास कितना रेंज है फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है. सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड बैंडविड्थ. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं तो उसकी बैंडविड्थ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है और जो हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं. तो हाई फ्रीक्वेंसी से हम लो फ्रीक्वेंसी को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैंड विड्थ. सो हियर आई हैव गिवन एन एग्जांपल. बैंड विड्थ मीन्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. इट्स एक्चुअली अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल है जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़. FL इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज़ एंड हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज़. सो अगर इस सिग्नल की हम बैंडविड्थ फाइंड करना चाहते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी से हम माइनस कर लेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी को. सो बैंडविड्थ का जो फार्मूला है वो बन जाता है FH माइनस FL. सो इधर हमारे पास जो FH है उसकी वैल्यू है 20 हर्ट्ज़ और यहाँ पे हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज़. सो FH माइनस FL 20 - 5 इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज़. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है इसकी बैंडविड्थ हमारे पास क्या है 15 हर्ट्ज़, ठीक है. इसी तरह अगर हमारे पास कोई भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है अगर उसकी हम बैंडविड्थ फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी से हम लो फ्रीक्वेंसी को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बैंडविड्थ आ जाएगा, ठीक है. सो नाउ हमारे पास अगर ये हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल है जो कि हम फर्स्ट लेक्चर से स्टडी करते आ रहे हैं कि व्हाट्स एक्चुअली अ बेस बैंड सिग्नल. बेस बैंड सिग्नल वो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज हमारे पास लो हो, ठीक है. और हमारे पास एक्चुअली बेस बैंड सिग्नल क्या है, जो हमारे पास वॉइस सिग्नल्स हैं या जो हमारे पास नॉर्मली मैसेज सिग्नल्स होते हैं उनकी जो उनको हम बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लें तो उसमें जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो राउंड अबाउट ज़ीरो होंगे और वी कैन से कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 300 किलोहर्ट्ज़ तक होगी. सो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल, उसकी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो ये बन जाती है. तो ये फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं माइनस बी से बी तक, ठीक है. ये बी हर्ट्ज हैं, ये बी हर्ट्ज कोई भी वैल्यू ले सकती है फॉर अप टू 300 किलो हर्ट्ज. सो इसकी अब अगर हम बैंडविड्थ फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास माइनस बी जो है ये लोअर फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है. सो बैंडविड्थ इज इक्वल टू बी माइनस माइनस बी, ठीक है. सो बी माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस बी प्लस बी इज इक्वल टू 2b. सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी बेस बैंड सिग्नल हो उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी जो भी हो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस बैंड सिग्नल का बैंडविड्थ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ अगर 10 हर्ट्ज है और यहाँ पे -10 हर्ट्ज है तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो क्या आ जाएगी, इस बी में हम 10 पुट कर लेंगे तो 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी इज इक्वल टू
50, सो इसकी बैंडविड्थ क्या आ जाएगी, 100 हर्ट्ज आ जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली बैंड विड्थ ऑफ अ बेस बैंड सिग्नल। नाउ बेस बैंड सिग्नल यू ही है जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज लो हो, ठीक है। सो नाउ मिस सिग्नल इज अ रियल सिग्नल एंड इट्स इवन साइमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो बेस बैंड सिग्नल है ये इवन साइमेट्रिक है। इवन साइमेट्रिक का मतलब ये है कि ये दोनों, ये इस साइड पे जो है जितना इस साइड पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी उतनी ही इसी साइड पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी। इसको कहा जाता है इवन साइमेट्रिक। एंड बेस बैंड सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है कि जिसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं वो सिर्फ यही पॉजिटिव जो साइड है वो ही कैरी करती है, और ये जो साइड है ये इट्स नथिंग बट जस्ट अ कॉपी ऑफ दिस पॉजिटिव पॉजिटिव बैंड, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन इंफॉर्मेशन है वो इसी ये एक ही साइड ही कैरी करती है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारे पास हमारे लिए कोई बीमारी नहीं रखती, क्योंकि हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वो मौजूद होती है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ओनली राइट साइड कैरीज यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर हम ये साइड यूज़ कर लें या ये साइड यूज़ कर लें तो ये हमारे लिए इनफ है। दोनों साइड्स को यूज़ करना हमारे लिए कोई भी फ़ायदेमंद बात नहीं है। सो वी डोंट वॉन्ट टू ट्रांसमिट नेगेटिव साइड ऑफ मैसेज सिग्नल। सो इस लिहाज से अगर हम देखें, अगर हम इस बेस बैंड सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो या तो ये वाला साइड ट्रांसमिट करें या ये साइड ट्रांसमिट करें, वो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। और अगर दोनों को ट्रांसमिट करेंगे तो ये हमारे लिए कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। सो बट वी हैव सीन इन डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर दैट द बैंडविड्थ इज डबल्ड विच यूटिलाइज एक्स्ट्रा बैंडविड्थ ऑफ द कैरियर। सो दिस इज नॉट बैंडविड्थ एफिशिएंट। सो इन DSB सप्रेस्ड कैरियर अगर हमारे पास ये मैसेज सिग्नल है और अगर इसको हम मॉड्यूलेट कर लेते हैं तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, पॉजिटिव साइड भी ट्रांसमिट हो रहा है और नेगेटिव साइड भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाई करता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसमिट हो रहा है वो ये साइड भी ट्रांसमिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में, कि हम बी हर्ट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं 2B हर्ट्स। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, 5 हर्ट्स के लिए हम कंज्यूम कर रहे हैं 10 हर्ट्स ऑफ बैंडविड्थ। तो इट्स नॉट बैंडविड्थ एफिशिएंट। इसका मतलब है कि हम 5 हर्ट्स को ट्रांसमिट करने के लिए कितना बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं, 10 हर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी तक हमने स्टडी किया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक्स्ट्रा जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो भी ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं है। एंड DSB वी आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग 2B हर्ट्ज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ B हर्ट्ज़। इस बी की जगह आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बी को हम 100 कर लें तो ये 2B 200 हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि हमारे पास ये 100 हर्ट्ज़ हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और उसके लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं 20 हर्ट्ज़ ऑफ बैंडविड्थ। सो दिस एक्स्ट्रा बी हर्ट्ज़ कैन बी यूज फॉर एनी अदर यूजफुल ट्रांसमिशन। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ हम यूज़ कर रहे हैं ये हम किसी और सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू हैव एफिशिएंट ट्रांसमिशन वी नीड टू ट्रांसमिट ओनली 1/2 ऑफ बेस बैंड सिग्नल। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बैंडविड्थ एफिशिएंट वो हो, मॉड्यूलेशन हो, तो उसमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जो साइड है इसी को ही ट्रांसमिट कर लें। So we need to look the frequency domain of baseband signal.
इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ बी हर्ट्स को ट्रांसमिट कर ले, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बी हर्ट्स का बैंडविड्थ ही यूटिलाइज हो जाए। ऐसा ना हो कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की तरह बी हर्ट्स के लिए टू बी हर्ट्स बैंडविड्थ हम यूज़ कर लें। अब हम एक ऐसा टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि बैंडविड्थ एफिशिएंट हो। इन ऑर्डर टू स्टडी दैट टेक्निक वी फर्स्ट स्टडी द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑफ अ मैसेज सिग्नल। सो ये हमारे पास एक बेस बैंड सिग्नल है, और बेस बैंड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो हम बार बार स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास बेस बैंड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन है। इसको हम टू साइड्स में या टू साइड बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिनोट कर लेंगे एम प्लस एफ के, और इसको हम डिनोट कर लेंगे एम माइनस एफ के, ठीक है। एंड दिस इज़ एक्चुअली पॉजिटिव पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ एक्चुअली नेगेटिव पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो दोबारा यही बेस बैंड सिग्नल हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स के वी कैन राइट एम ऑफ एफ इज इक्वल टू एम प्लस ऑफ एफ प्लस एम माइनस ऑफ एफ। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो दोबारा यही मैसेज बेस बैंड सिग्नल आ जाएगा। सो फॉर सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन वी नीड टू स्टडी अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो अब हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, हम अब एक्चुअली एक ऐसे टेक्निक स्टडी करेंगे कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही सिंगल साइड बैंड इसको ट्रांसमिट कर ले। लेकिन उसी टेक्निक को स्टडी करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो अकॉर्डिंग टू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इफ यू हैव अ सिग्नल एक्स ऑफ टी, सो एक्स एच ऑफ टी इज कॉल्ड हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल एक्स ऑफ टी विच वी कैन रिप्रेजेंट बाई एच ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वन बाई पाई इंटीग्रल दैट रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ अल्फा टी माइनस अल्फा डी अल्फा। ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है किस चीज़ का, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है। एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एच ऑफ टी इज, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी कर रहे हैं जो कि इस चीज़ के इक्वल है। एक्स एच ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ डॉट माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ, ठीक है। माइनस जे को हम यहाँ पे आगे लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ एफ सिग्नम ऑफ एफ। नाउ व्हाट इज एक्चुअली सिग्नम ऑफ एफ, सिग्नम एक फंक्शन है जो कि हम पढ़ते हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम नहीं पढ़ा तो तभी इसमें थोड़ा सा आप लोगों को मसला होगा, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रूफ है तो इसके लिए आप लोग ये अगर जस्ट मेमोराइज भी कर ले तो आई थिंक कि आप लोगों के लिए इनफ होगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को लिए इतना बता दूं कि सिग्नम एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे प्लस वन वैल्यू होती है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या होगी, माइनस वन की वैल्यू होगी। सो दिस फॉर्म ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन एंड दिस इज एक्चुअली द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। इस इक्वेशन को अगर हम फूरियर डोमेन में देखें तो ये इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस जे एक्स ऑफ एफ सिग्नम ऑफ एफ। फॉर एग्जांपल अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अब ये फॉर एग्जांपल एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है तो ये क्या कर लेता है, अगर हम इसको एक सिग्नल दे देते हैं एक्स ऑफ टी तो हमें आउटपुट दे देगा एक्स एच ऑफ टी जो कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्स ऑफ एफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर लेगा, हमारे पास क्या दे देगा, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म दे देगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा। और ये एच ऑफ एफ क्या है, ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, ट्रांसफ़र फंक्शन इज एक्चुअली अ रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कि एक्स एच ऑफ एफ जो कि इक्वल है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा बी, ठीक है, और इससे ऊपर जो पे इक्वेशन था वो हमारे पास इक्वेशन ए था। सो नाउ इफ वी कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी वी विल गेट, ये हमारे पास क्या है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, ये हमारे पास वही इक्वेशन है, ए इक्वेशन यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है,
इन दोनों का अगर हम कंपेयर कर ले तो एक्स एच ऑफ एफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक्स ऑफ एफ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ एफ, और ये इस चीज़ के इक्वल है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है उसका जो फोरियर, उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन बन जाएगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। सो एच ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ, एच ऑफ एफ इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ से कोई सिग्नल को गुजारेंगे तो वो क्या कर लेगा, इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें आउटपुट दे देगा। सो दिस इज एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो एच ऑफ एफ है वो बन जाएगा क्या क्या बन जाएगा, वो इक्वल बन जाएगा माइनस जे के, और जे के माइनस जे की वैल्यू कब हमें देगी, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होगी, और जे की वैल्यू तब देगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो से लेस होगी। क्यों, यहाँ यहाँ से अब ये क्योंकि हमारे पास जो ये सिग्नम ऑफ एफ है ये कौन सा फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन क्या कर रहा है, कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो अगर ज़ीरो से ग्रेटर हो तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम वन पुट कर लेंगे, तो वन इंटू माइनस जे इज इक्वल टू माइनस जे, ठीक है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या वैल्यू देगा, माइनस वन। तो अगर हम यहाँ पे माइनस वन पुट कर लें फॉर फ्रीक्वेंसी रेंज लेस देन ज़ीरो, सो माइनस इनटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हमारे पास जे की वैल्यू प्लस जे बन जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस जे एंड जे, जे माइनस जे की वैल्यू तब होगी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर होगी, और हमारे पास हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी जे के, और फॉर विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, व्हेन एफ इज लेस देन ज़ीरो, ठीक है। सो इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, एच ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस जे इज इक्वल टू वन डॉट ई टू पावर माइनस जे पाई बाई टू, और जे को हम लिख सकते हैं वन इंटू ई जे टू द पावर पाई बाई टू के, ठीक है। ये अब कहाँ से आ गए, ये हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिख लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास माइनस जे इस चीज़ के इक्वल बन जाएगा और जे इस चीज़ के इक्वल बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट्स एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एंड व्हाट्स एक्चुअली द फेज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो इसकी अब हम क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड देखते हैं और फेज देखते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड किस चीज़ के बराबर है, वन के बराबर है, और ये हमारे पास फेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, जो कि वैल्यू है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है वन के बराबर। मैंने ये लाइन तभी लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट वैल्यू की और इस कांस्टेंट और वो कांस्टेंट क्या है, वो वन है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इस तरह अगर हम फेज को देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास फेज किस चीज़ के बराबर है, माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर फ्रीक्वेंसीज दैट आर ग्रेटर देन ज़ीरो उसके लिए हमारे पास जो फेज है वो किस चीज़ के इक्वल है, माइनस पाई बाई टू के इक्वल है, और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़ीरो से लेस है इसी के लिए, तो फिर हमारे पास फेज की वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई बाई टू बन जाएगी। सो दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज एक्चुअली द फेज ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म डज नथिंग टू एम्पलीट्यूड बट गिव्स माइनस पाई बाई टू फेज शिफ्ट टू एवरी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसका मतलब यह है कि हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो कि हमारे पास ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी को क्या देता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देता है। कितना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट देता है, माइनस पाई बाई टू का फेज शिफ्ट देता है। सॉरी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट नहीं, इसका मतलब है कि हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या देगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म से अगर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी को अगर पास कर लें तो इसकी मैग्नीट्यूड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फेज को शिफ्ट करेगा, और कितना शिफ्ट करेगा, माइनस पाई बाई टू के शिफ्ट करेगा। इट मीन्स दैट वी नीड टू गिव फेज शिफ्ट टू ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क।
इसका मतलब यह है कि हमने क्या देंगे कि हम क्या करेंगे या हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी को ये शिफ्ट देगा, फेज को शिफ्ट देगा बाय माइनस पाई बाय टू के। सो यह तक तो हो गया हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को अगर मैं यहाँ पे समराइज़ कर लूँ तो फिर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म है जो कि मैग्नीट्यूड को या वैल्यू को कुछ नहीं कहता बल्कि फ्रीक्वेंसी की फेज़ को जो है वो शिफ्ट देता है। कितना शिफ्ट देता है? माइनस पाई बाई टू के शिफ्ट देता है। दिस इज़ एक्चुअली द होल समरी ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। सो अब हम दोबारा से उसी जगह पे आ जाते हैं कि हमने अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को किस तरह यूज़ करना है मॉड्यूलेशन में, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास उसी मैसेज सिग्नल का क्या है, उसी मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये है हमारे पास बन जाएगा एम ऑफ एफ, और इस एम ऑफ एफ को हम डिवाइड कर सकते हैं एम प्लस एफ के और एम माइनस एफ के, ठीक है। सो अगर इस साइड को हम मॉड्यूलेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा? कैरी की जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा और प्लस एफ सी पे शिफ्ट हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड और इसको हम कहते हैं लोअर साइड बैंड। अगर इसको हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं या मॉड्यूलेट करना चाहते हैं या मॉड्यूलेट कर लें तो ये प्लस एफ सी तक भी शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाएगा। सो इसको हम कहते हैं अपर साइड बैंड मॉड्यूलेशन और इसको हम कहते हैं लोअर साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो इन सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको कहा जाता है सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज सिग्नल का एक ही साइड बैंड उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं या मॉड्यूलेट कर रहे हैं, तभी इसको कहा जाता है एस एस बी आर वी के आर सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। वी नीड टू ट्रांसमिट ओनली वन साइड बैंड बिकॉज इट्स बैंडविड्थ एफिशिएंट। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लाइक कर रहा है और मॉड्यूलेशन में भी उतना ही बैंडविड्थ यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन। इस एम ऑफ एफ इज इक्वल टू एम प्लस एफ प्लस एम माइनस एफ, इसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो दोबारा वही बेस बैंड सिग्नल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो अब हम एम प्लस एफ को क्या कर लेते हैं, इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, फिर इसके लिए भी एक इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, ठीक है। सो एम प्लस एफ इज इक्वल टू एम ऑफ एफ डॉट यू ऑफ एफ। अब हम एम प्लस एफ को किस तरह अचीव कर लेंगे, अगर हम एम ऑफ एफ को ले लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें यू ऑफ एफ से। व्हाट्स एक्चुअली यू ऑफ एफ, इसको कहा जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या मतलब है कि जीरो से ग्रेटर के लिए हमारे पास ये वन की वैल्यू देता है और जीरो से लेस के लिए हमारे पास जीरो वैल्यू देता है। सो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे चूंकि सारे वैल्यू जीरो हैं तो ये अगर इन यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो दे देगा, और ये अगर यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू वन है तो इसको अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। सो इन दोनों को अगर जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम प्लस एफ। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि एम प्लस एफ इज इक्वल टू एम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई यू ऑफ एफ, ठीक है। सिमिलरली एम माइनस एफ को हम लिख सकते हैं एम ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई यू माइनस एफ, ठीक है। अब यू माइनस एफ क्या है, अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन को रिवर्स कर ले तो हमारे पास बन जाएगा यू माइनस एफ। यू माइनस एफ में अब आप लोग देख सकते हैं कि जीरो से लेस की वैल्यू के लिए वो हमारे पास वन वैल्यू देता है और जीरो से ग्रेटर के लिए हमारे पास वैल्यू जीरो है। तो अगर हम इसको एम ऑफ एफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ज़ीरो हो जाएगा, तो आउटपुट पे हमारे पास इसी तरह एम माइनस एफ आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हम
m प्लस एफ को मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं और m माइनस एफ को मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर एक्चुअली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ m प्लस ऑफ f एंड m माइनस ऑफ f। वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट u ऑफ f इन टर्म्स ऑफ सिग्नम फंक्शन। अब चूँकि हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया, क्या स्टडी किया, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म स्टडी किया, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्नम फंक्शन आ रहा है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम लिखना चाह रहे हैं इसी m प्लस एफ को और m माइनस एफ को इन टर्म्स ऑफ सिग्नम फंक्शन। सो सिग्नम फंक्शन को हम किस तरह अचीव करेंगे वो इसी तरह अब हम देखते हैं। ये हमारे पास सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन क्या कर रहा है कि जीरो से ग्रेटर के लिए वैल्यू वन है और जीरो से लेस के लिए वैल्यू माइनस वन है। सो इसके साथ अगर हम वन ऐड कर लेंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो इसी तरह आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एंड वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास है सिग्नम ऑफ एफ प्लस वन। नाउ इसको, इस सिग्नल को अगर हम टू पे डिवाइड कर लेंगे तो टू बाई टू इज इक्वल टू वन, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इसको हम देखें तो ये यूनिट स्टेप भी है और ये भी है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज इक्वल टू यू ऑफ एफ, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ सिग्नम फंक्शन के, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि m माइनस एफ और m प्लस एफ की मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पे क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो अब यूनिट स्टेप फंक्शन की अब हमने दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि बन गई है 1 बाई टू सिग्नम ऑफ एफ प्लस वन। सो u ऑफ f एंड u ऑफ माइनस एफ की जगह पे हम ये वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास बन जाएगा u ऑफ f इज इक्वल टू हाफ सिग्नम ऑफ एफ प्लस वन, एंड एज वी नो दैट m प्लस एफ इज इक्वल टू m ऑफ एफ डॉट u ऑफ f की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास m प्लस एफ की क्या वैल्यू बन जाएगी, हाफ m ऑफ एफ सिग्नम ऑफ एफ प्लस वन, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस m f को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वन के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एनी थिंग मल्टीप्लाइड बाई वन दैट थिंग। सो हाफ को अगर हम बाहर लिख लें तो ये m ऑफ f बन जाएगा प्लस m ऑफ f डॉट सिग्नम ऑफ f बन जाएगा, ठीक है। नाउ हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लेते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, किस चीज़ को, माइनस j को। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस j डिवाइडेड बाई माइनस j, अगर हम इन दोनों को कैंसिल कर लेंगे तो दोबारा वही इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, अब इसके बाद कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ जे को। इससे पहले हमने क्या डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, माइनस जे, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं जे को। सो बन जाएगा हाफ एम ऑफ एफ प्लस जे डिवाइड बाई माइनस जे इन टू जे एम ऑफ एफ माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ। सो जिस तरह हमको पता है कि ये जे जे क्या बन जाएगा, जे स्क्वायर बन जाएगा एंड जे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन, और ये जे अपनी जगह पे आ जाएगा। और ये चीज़ जो है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का फोरियर डोमेन जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि एच ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ, ठीक है। सो यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारे पास हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बन गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एस एम ऑफ एफ माइनस जे सिग्नम ऑफ एफ इज इक्वल टू एम एच एफ। सो इसकी वैल्यू पे हमने क्या पुट कर लिया, एम एच ऑफ एफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लिख लिया इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। फाइनली अगर हम देखें तो m प्लस एफ और m माइनस एफ की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हाफ m ऑफ f प्लस जे एम एच एफ, एंड m माइनस एफ बन जाएगा हाफ m ऑफ f माइनस जे एम एच ऑफ f, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बेस बैंड सिग्नल से, अगर हमारे पास ये बेस बैंड सिग्नल है, ठीक है, और इसी बेस बैंड सिग्नल से अगर हम इस चीज़ को निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी सिग्नल का क्या फाइंड कर लेंगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, और इसी से
और इसी बेसमेंट सिग्नल से उसी के साथ उस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास m प्लस एफ आ जाएगा। अगर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m माइनस एफ बन जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब यही है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का मतलब यही है कि हम m प्लस एफ किस तरह अचीव करेंगे और m माइनस एफ किस तरह अचीव करेंगे। वियर m h ऑफ f इज़ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल m ऑफ f। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं अभी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि सॉरी मैं ये चीज़ें रिमूव कर लूँ। ठीक है, ये भी यहाँ से रिमूव कर लूँ। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने ये किया कि मैंने क्या किया, इस m प्लस एफ की इक्वेशन को फाइंड किए हैं और इस m माइनस एफ की इक्वेशन को फाइंड किए हैं। ठीक है, इस m प्लस को अगर मैं क्या कर लूँ, मॉड्यूलेट कर लूँ, तो हमारे पास ये फिगर, ये स्पेक्ट्रम आ जाता है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में हम क्या देख सकते हैं, इस स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं कि m प्लस एफ कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, एफ सी तक शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया है। अब हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, आर वी कैन से के इन टर्म्स ऑफ m प्लस एफ। ठीक है, सो वही स्पेक्ट्रम मैंने दोबारा से यहाँ पे ड्रा की है। तो अब ये क्या है, ये वही m प्लस एफ है लेकिन मॉड्यूलेट हुआ है कहाँ पे, या शिफ्ट हुआ है कहाँ पे, एफ सी तक शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि m प्लस एफ माइनस एफ, और इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस एफ के। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि क्या हो जाएगा, अगर मॉड्यूलेट हो जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। कहाँ तक शिफ्ट हो जाती है, कैरियर फ्रीक्वेंसीज पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि m प्लस ट्रांसलेट हो गया है, शिफ्ट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया है और यहाँ से यहाँ तक भी शिफ्ट हो गया है। तो अब इसको मैं मैथमेटिकली इस तरह लिख सकता हूँ कि m प्लस एफ माइनस एफ, और इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ m प्लस एफ प्लस एफ सी। ठीक है, हेंस अपर साइड बैन विंड मॉड्यूलेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। सो इस पूरे स्पेक्ट्रम को मैं मैथमेटिकली इस तरह लिख सकता हूँ कि पाई एस एस बी यू स्टैंड फॉर अपर साइड बैंड, और ये फ्रिक्वेंसी डोमेन है, एम प्लस एफ माइनस एफ सी प्लस एम माइनस एफ प्लस एफ सी। ठीक है, एम प्लस एफ माइनस एफ सी, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे हम, ये हमारे पास एम प्लस एफ ए है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एम प्लस एफ माइनस एफ सी है, तो यहाँ पे एफ ये भी शिफ्ट हो जाएगा और साथ में ये भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि m प्लस एफ माइनस एफ सी किस चीज़ के इक्वल बन जाएगा, हाफ m एफ माइनस एफ सी प्लस जे एम एच एफ माइनस एफ सी, और ये किस चीज़ के बराबर बन जाएगा, हाफ m एफ प्लस एफ सी माइनस जे एम एच एफ प्लस एफ सी। ठीक है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है कि हाफ m एफ माइनस एफ सी प्लस m एफ प्लस एफ सी माइनस जे बाई टू एम एच एफ माइनस एफ सी माइनस एम एच एफ प्लस एफ सी बाई टेकिंग इनवर्स ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर इस इक्वेशन का हम क्या क्या कर लें, इनवर्स फाइंड कर लें, तो हमारे पास इक्वेशन टाइम डोमेन में बन जाएगी ये, जो कि इक्वल है एम टी कॉस ओमेगा सी टी माइनस एम एच टी साइन ओमेगा सी टी इज इक्वल टू पाई एस एस बी अपर साइड बैंड एंड टाइम डोमेन। इसका मतलब ये है, अब हमने क्या किया, हमने अभी तक ये किया कि हम सारा जो स्टडी कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, और फाइनली हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है ये टाइम डोमेन में लिखी है, और इस टाइम डोमेन की जो इक्वेशन है वो हमने किस तरह अचीव की, वो इस तरह अचीव की कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स ले लिया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम सिंगल साइड बैंड को अगर हम मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी सिग्नल का, ठीक है, तो उसी सिग्नल को हम क्या कर लेंगे, कॉस ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, उसी मैसेज सिग्नल का यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन ओमेगा सी टी के। ठीक है,
इसी तरह अगर हम लोअर साइड बैंड को अगर हम मॉडुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर सिंगल साइड बैंड वी नीड टू टेक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ मैसेज सिग्नल। तो ये हमारे पास लोअर साइड बैंड का है और ये हमारे पास अपर साइड बैंड का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे चीज़ें सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास कोई भी मैसेज सिग्नल है और अगर हम क्या करना चाहते हैं, बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं, तो उसी सिग्नल का हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। जब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा तो फिर या तो माइनस कर लेंगे या प्लस कर लेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, एक ही साइड बैंड मॉड्यूलेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली नाउ हमारे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास एम एफ टी है, एम एफ टी यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। सो डबल साइड बैंड मॉड्यूलेटर यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एम एफ टी मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ओमेगा सी टी के। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एम ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी, जो कि यहाँ पे ये टर्म है एम टी कॉस ओमेगा सी टी। और दूसरी साइड पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेज शिफ्ट है। फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या फाइंड कर रहा है, मैसेज सिग्नल का, ये मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहा है, ठीक है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जिस तरह आपको मैंने बताया था कि ईच एंड एवरी फ्रिक्वेंसी का फेज शिफ्ट कर लेगा बाय माइनस पाई बाई टू के, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, एम एच ऑफ टी। और यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर है और यहाँ पे भी हमारे पास एक फेज शिफ्टर है। फेज शिफ्टर यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस ओमेगा सी टी है, तो कॉस ओमेगा सी टी को अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा सी टी बन जाएगा। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एच टी साइन ओमेगा सी टी, जो कि यहाँ पे इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या होगा, एम एच टी एन टू साइन ओमेगा सी टी के, ठीक है। और बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फिर समेशन है। तो जब हम इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एस बी सिग्नल अचीव हो जाएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। एफिशिएंटली ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड क्या हो जाएगा, एक ही साइड बैंड मॉड्यूलेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, एंड सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इज बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड बैंड जो है, जो कि मॉड्यूलेट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेशन की तरह दोनों साइड्स वो मॉड्यूलेट नहीं हो रहे हैं।